गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के द हिंदू डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर। देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द नंबर गेम, इंडियाज़ विक्ट्री एट ICJ रीइन्फोर्सेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल पावर डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जस्टिस भंडारी है, दलवीर भंडारी, इनका जो री अपॉइंटमेंट हुआ है सेकेंड टर्म के लिए, तो इसको एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड दिया गया है कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से हुआ। ये इस साल 5 स्लॉट्स थे, उसके लिए 6 कैंडिडेट लाइन में थे। 4 कैंडिडेट का इलेक्शन प्रोसेस तो स्मूथ रहा, लेकिन जो 6 पोस्ट थी उसके लिए 2 कैंडिडेट जो है इंडिया के मिस्टर जस्टिस भंडारी और जो यूके के है क्रिस्टोफर ग्रीनवुड, ये लाइन में थे। तो यहाँ पर हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया को क्लियर मैंडेट मिला और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूके के जो कैंडिडेट है उनको मेजॉरिटी मिली। तो रूल ऐसा कहता है कि अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्ट होना हो तो उसे दोनों में मेजॉरिटी मिलने की ज़रूरत होती है। तो ये जो डेडलॉक हुआ उसमें यूके के कैंडिडेट ने रूल्स में चेंज करने का ट्राई किया, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जिसमें 3 मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से और 3 जो है सिक्योरिटी काउंसिल से ला के ये जो डेडलॉक है उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर वैसे तो कुछ हुआ नहीं। इंडिया ने भी अपोज किया, एज अ रिज़ल्ट उनके कैंडिडेट को विड्रॉ करना पड़ा। तो इसे देखा कैसे जा रहा है, तो आर्टिकल ये कह रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूके विल नॉट हैव अ जज ऑन ICJ। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूके का कोई जज नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिस्टर थेरेसा मे, इनके लिए ये एक लॉस है, ऐसा एक ऑथर कह रहा है, क्योंकि पहले से ही ब्रेग्जिट को लेकर उनके ऊपर बहुत ही क्रिटिसिज्म हो रहा है और अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूके ने इलेक्शन हारा है, तो इसे जागतिक स्तर पर बहुत ही कह सकते हैं कि इसे एक निगेटिव पॉइंट की तरह से देखा जा रहा है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हुआ या फिर हम सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने की कोशिश कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए ये बात पॉजिटिव पॉइंट है कि हम अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने ये सीट फिर से हमें मिली है। तो जो बाकी के भी इंस्टीट्यूशंस है, NSG हो या फिर सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात हो, हमें इसी तरह से उसमें भी सीट्स मिलने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा ये ऑथर कह रहे हैं। ये आर्टिकल मेन एडिटोरियल जो है वो पॉलिटिकल है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ये AIADMK की स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो हम नहीं देखेंगे। अगला एडिटोरियल है पिल टॉक, तो ये एंटीबायोटिक यूज़ के बारे में है, जहाँ पर बात की गई है कि कंज्यूमर अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि इसका यूज़ जो है उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑथर ने इसको क्लाइमेट चेंज के साथ कंपेयर किया है और इन्होंने कहा है कि जैसे क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल लेवल पे उस पर ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसी तरह तो एंटीबायोटिक यूज जो है उसको भी कम करने के लिए ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि मल्टीपल फोकस एरियाज होने चाहिए, जैसे कि ये मिसयूज जो है मैन एंड एनिमल में, दोनों में होता है, एनिमल में भी होता है और मैन में भी होता है। तो इसका मिसयूज होने के लिए मिसयूज़ कम होने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया में जो है प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में एक तो दो बातें हैं, एक तो लोग जो है, कई लोग जो है वो एंटीबायोटिक का यूज़ ही नहीं करते। तो यहाँ पर एक बताया गया है कि लगभग 410,000 जो है इंडियन चिल्ड्रंस वो निमोनिया की वजह से उनका डेथ हो गया, तो यहाँ पर उन्होंने जो रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक्स थी उसका यूज़ नहीं किया। और दूसरी साइड पे कुछ लोग हैं जो वायरल इन्फेक्शन भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए भी वो
दबा के दवाइयाँ खाते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पहले तो लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए ब्लैंकेट बैन जो है वो भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ऐसा कहा गया है। फिर भी 2011 में बैन करने का जो प्रस्ताव रखा गया था उसको जमकर विरोध किया गया। फिर गवर्नमेंट ने शेड्यूल H1, जहाँ पर जो भी जो है क्रिटिकल एंटीबायोटिक्स की बात की गई और उसका जो यूज़ है वो कंट्रोल करने के लिए करना है, ऐसे कहा गया। लेकिन खैर, इसका भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिले नहीं, क्योंकि ऑथर कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये तो कंज्यूमर के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ट्रैकिंग मैकेनिज्म बीच में कोई नहीं है कि कोई कौन यूज़ करेगा कितने, क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म की जो कमी है, इसकी वजह से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर रहती है तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का भी एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर भी एक बग का ग्रोथ हो गया था, वो मल्टी रेजिस्टेंस की वजह से। तो जब इन्होंने एंटीबायोटिक्स यूज़ कम कर दिया गया तो उसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो दिखने भी कम हो गए। तो हमें भी इस दिशा में प्रयास करने चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है, टाइम टू चेंज द हाउस रूल्स। तो ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होता है उसके बारे में है। तो इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें क्या है वो जानते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या बनने की वो प्रोसेस में था तो हमारे सामने दो ऑप्शन थे, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो B.R. अम्बेडकर, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और उन्होंने उसके एडवांटेजेस बताए। उन्होंने कहा कि ये सही है कि बोथ सिस्टम प्रोवाइड पीरियडिक असेसमेंट ऑफ इलेक्टोरेट, 5 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं उससे असेसमेंट होता है दोनों भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पर लोग वो जवाबदेह होती है। इसलिए वो कैसे होती है, तो इन्होंने बताया कि देयर इज़ हायर लेवल ऑफ इट प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट थ्रू डेली असेसमेंट। जो सेशन होते हैं उसमें MPs जो होते हैं दे कैन आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, वो सवाल पूछ सकते हैं, अलग अलग मोशंस ला सकते हैं, रिजोल्यूशंस ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू हो पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जवाबदेह गवर्नमेंट क्या फॉर्म गठन होता है। लेकिन अभी जो है कुछ पिछले 10-1 साल में पार्लियामेंट जो है वह 1 साल में ऑन एन एवरेज 65 to 75 days उसका सिटिंग हुआ है, और ये नंबर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके जो तुरंत बाद के जो सेशंस हुए थे या 4-5 साल थे उससे बहुत कम है। यहाँ पर उन्होंने बताया है नंबर कि शुरुआत के जब स्वतंत्र हुए हम उसके जो शुरुआत के कुछ साल थे उसमें पार्लियामेंट 125 to 140 days तक उसका कार्यकाल चला, काम का किया उन्होंने हर साल, लेकिन ये नंबर अब कम हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न क्या बताता है, ये पार्लियामेंट सेशन कैसे होता है। पहली बात, पार्लियामेंट्री सेशंस ये समन करता है कौन, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इट इज़ समन बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैसे करते, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट तो खुद नहीं करते, ही डज इट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, पर वहाँ पर एक क्लॉज है कि जो भी जो दो सिटिंग हो, देर कैन नॉट बी मोर देन 6 months बिटवीन टू सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, गैप जो होता है दो सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते कि कौन डिसाइड करते हैं, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि सेशन कब होगा। पर ये जो डिसीजन उनके ऊपर है वो कितना इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है उसके भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये तो खैर स्टेट असेंबलीज का बताया गया है कि हरियाणा का जो ओवरऑल ओवर इंडिया में ऑन एन एवरेज 29 days a year जो है असेंबलीज का जो काम चला है,
और हरियाणा में तो सिर्फ 12 दिन, उत्तराखंड में तो 13 दिन, और यूपी का भी 2011 का इन्होंने सीन बताया कि वहाँ पर इम्पोर्टेंट एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें स्टेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और वो सेशन बस 10 मिनट चला। और इससे भी अगर और एक अगर कम सेशन का रिकॉर्ड हुआ है तो वो है पौडुचेरी असेंबली में, वहाँ पर 9:30 को सेशन शुरू हुआ, 9:38 को ख़त्म हो गया, और उसमें भी 2 मिनट का किसी का डेथ हो गया, इसके लिए उसके भी मौन व्रत रखा गया। तो ये क्या बता रहा है? ये इफ़ेक्टिव तरीका है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का गवर्नमेंट की तरफ से। अगर सेशन ही नहीं होगा तो एमपी सवाल कैसे पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? तो इज़ देयर अ वे आउट, ऑथर कह रहे कि कोई रास्ता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ऑथर कह रहे हैं कि एक तो आप कैलेंडर बना दीजिए कि हम इस साल के पहले ही कि हम अब यहाँ यहाँ बैठेंगे। इससे क्या होगा कि एमपी जो है वो प्लान कर सकेंगे कि हम कब बैठना है, क्या क्या सवाल पूछने हैं। तो और एक तरीका इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉलो करती है वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्स टू हैव अ वेरिएंट सच एज दैट फॉलोड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इज़ टू हैव अ ईयर लॉन्ग सेशन। इसका मतलब 5 साल है तो 5 सेशन, मतलब हर एक साल तो फिक्स है, होगा ही। या फिर इन्होंने हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी उदाहरण दिया है, वहाँ पर क्या होता है कि माइनॉरिटी मेंबर जो है अगर 1/4 मेंबर भी कहें कि इम्पोर्टेंट इशू है उसे डिस्कस करना है तो सेशन बुलाने की ज़रूरत है, तो 14 डेज नोटिस पीरियड होता है, उसके बाद सेशन बुलाना पड़ेगा। ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। लास्ट में ऑथर कहते हैं कि द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज़ डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टेंट स्क्रूटिनी बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो एमपीज है जो इलेक्टेड आए हैं वो जब सवाल पूछेंगे उससे लेजिटिमेसी बढ़ेगी गवर्नमेंट की। अगर वो अगर कम हो रहा है तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगला आर्टिकल है फार फ्रॉम कीपिंग द वर्ल्ड सेफ। तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है। तो ऑथर यहाँ पर जो बॉन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 23 जो हुआ जर्मनी में 17 नवंबर को जो ख़त्म हुआ, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। देखिए यहाँ पर पर्पस क्या था बॉन का, पहला तो एक रूल बुक बनाना था कि पेरिस के में जो एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, तो उसमें जो भी टारगेट्स दिए गए थे उसको अचीव करने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, उस वो सब टेक्निकल गाइडलाइंस एंड प्रोसेस बनाने का मेन पर्पस था बॉन में। तो यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स पर डिस्कस किया गया, यहाँ पर एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट पर डिस्कस किया बॉन में, उसके बाद मिटिगेशन एक्शन क्या लेना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस किया गया, और जो लॉस होगा जो भी कंट्रीज अफेक्ट होंगी उसको लॉस को कैसे कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उस डैमेज को कम करने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर बातें होगी। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर क्या क्या और क्या बात की गई कि जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से निभाने की ज़रूरत है, ये भी बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर फुलफिलिंग दी ऑब्लिगेशंस, क्योटो प्रोटोकॉल की बात की है। क्योटो प्रोटोकॉल का अभी सेकेंड फेज़ शुरू है, 2012 में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड फेज़ एग्जिस्टेंस में आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल है किस बारे में, ये है कि एमिशंस लेवल जो है वो कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल काम में है। 2005 to 2012 ये इसका फर्स्ट फेज़ था, और 2013 to 2030 इसका सेकेंड फेज़ है। पर इस फ्रंट पे भी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव बातें नहीं है ऐसा ऑथर कह रही है, क्योंकि अभी तक कई ऐसी कंट्री है जिन्होंने इसके जो टारगेट्स है इसको रेटिफाई करने किया नहीं है, ऐसा ऑथर कह रही है। और एक COP 19 की बात की गई है जो पोलैंड में हुआ था वर्सो में। तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज का गठन किया गया था, ये किस लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी कंट्रीज अफेक्ट होगी, जैसे इस साल का जो
फिजी जो था उसका प्रेसिडेंट था बॉन के जर्मनी में जो हुआ उसका फिजी प्रेसिडेंटशिप उसके पास था उस कंट्री के पास, क्योंकि दैट कंट्री इज़ मोर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दी राइजिंग द सी लेवल। तो इसका जो जैसे कंट्रीज है फिजी हुआ और भी जो कंट्रीज है जिसका जो बैडली अफेक्ट होंगे उनको कैसे बचाया जा सके, उनका जो लॉस होगा उसके ऊपर भी उसके ऊपर COP 19 में बात की गई थी। यहाँ पर बताया गया कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट सच कंट्रीज हैव एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक सपोर्ट एस्पेशली सिंस देयर एक्शंस हैव नॉट लेड टू दिस क्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये जो कंट्रीज है जैसे मैंने फिजी की बात की, इन्होंने तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, फिर भी दे आर मोर अफेक्टेड, उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या फिर जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो वो सब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या फिर क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़ है उनमें लगाए। तीसरा एस्पेक्ट जो अभी बात की हमने कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है उन ऑथर ने की है, और यहाँ पर एक $100 बिलियन का जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात की गई है जो डेवलप कंट्रीज़ देने डेवलप कंट्रीज़ ने देना है ऐसा टारगेट रखा था, लेकिन इसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 2018 में जो पोलैंड में होगी तो वहाँ पर इसके ऊपर देखेंगे अभी आगे क्या डेवलपमेंट होता है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का और फ्रांस का इनिशिएटिव है, वैसे ही बॉन में पावरिंग पास्ट कोल अलायंस जो है इट वाज लेड बाय कनाडा एंड यूके, तो ये नया एक अलायंस बनाया गया बॉन में, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और क्या क्या बॉन का आउटपुट रहा, तो बॉन में जो है एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर बातचीत की गई, और जो नॉलेज शेयरिंग होगा उससे इंडिया कैसे बेनिफिट हो सकता है ये ऑथर हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी एंड कार्बन मैनेजमेंट, लैंड यूज़ एंड लाइफ स्टॉक मेंटेनेंस, और क्लाइमेट चेंज से कैसे एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा और क्या क्या हमें उसमें बदलाव करने चाहिए। तो ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ इस फ्रंट पे इंडिया को भी बेनिफिट होगा क्योंकि वी आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और लास्ट में कह रहे हैं कि इंडिया को भी अपना शेयर देना चाहिए क्योंकि अभी और देर करने के लिए टाइम ही बचा नहीं है। तो यही सारांश है इस आर्टिकल का। तो अब फ्रंट पेज की न्यूज़ देखते हैं, पहली तो गुड न्यूज़ है और दूसरी बैड न्यूज़ है। ये देखिए ब्रह्मास का हमने टेस्ट फायर सक्सेसफुली कर दिया और हमारे पास अभी तीनों वर्जन जिसे ट्राइड भी कहते हैं, लैंड सी एंड एयर वेरियंट्स, तो अभी हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब ब्रह्मास आपको पता ही होगा कि दो रिवर के नाम है, एक तो ब्रह्मपुत्र हमारा और मॉस्कवा जो रशिया की रिवर है उसका कॉम्बिनेशन है ये नाम। दूसरी न्यूज है पाक कोर्ट फ्रीज हाफिज सईद, तो इन्होंने अभी इसको रिहा कर दिया है। इसके इनके ऊपर देखिए सईद हु कैरीज अ बाउंटी ऑफ 10 मिलियन अनाउंस बाई US फॉर हिज रोल इन टेरर एक्टिविटीज़। तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए गुड न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये अभी फ्री हो गए हैं। अगली न्यूज़ है बैंक्रप्सी कोड टू बी अमेंडेड। देखिए इसके लिए अभी विंटर सेशन में एक ऑर्डिनेंस लाने की बात की जा रही है, इसमें जो भी टेक्निकल थोड़ी एरर्स थे उसको कम करने के लिए, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीजर है उसमें ऐसा एक फ्लॉ था कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर है या जो भी डिफॉल्टर है कंपनी के उनको बैकडोर चैनल से कंपनी का जो है फिर से कंट्रोल मिलने का एक चांस था। तो वो जो एक एरर है उसको कम करने के लिए अभी ये विंटर सेशन में जो है एक नया ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूव्स न्यू फाइनेंस पैनल। तो नए अभी 15 फाइनेंस कमीशन के गठन करने की बात चल रही है। तो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, और उसमें कितने मेंबर होते हैं ये एक्चुअली सवाल बन सकता है। तो टोटल मेंबर होते हैं 5, एक और इनका मेन मैंडेट क्या होता है, मेन काम क्या होता है, तो टैक्स जो शेयर होता है सेंटर और स्टेट में वो कितना परसेंट वो यह होता है।
जैसे अभी 14 फाइनेंस कमीशन था, उसने 10% जम किया था कि स्टेट शेयर बढ़ा दिया था, पहले 32% था उसको बढ़ा के 42 कर दिया था। पर अभी जो GST रोल आउट हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए अभी इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो देखते हैं अभी। और इनका मैंडेट कब होगा, इनका टर्म सेंटर एंड स्टेट फ्रॉम 2020 टू 2025, तो 2020 टू 2025 में रेवेन्यू शेयरिंग क्या होगा ये अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट देगा वो बताएगा।